हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो दोस्तों, आप चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो आपको इस वीडियो को देखना है पूरा, अंत तक इस वीडियो को देखिए और चुटकियों में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए। क्योंकि आपको तो पता होगा, जब एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज और प्रॉफिट लॉस, इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका जो वेटेज होता है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करना सीखोगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसे चुटकियों में आपसे बनने लगेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। रेट का मतलब होता है दर, दर जो होती है वो परसेंट में होती है। टाइम का मतलब होता है समय, है ना। प्रिंसिपल मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट मिश्रधन, रेट दर, और टाइम को बोलते हैं समय, जो कि सभी को पता होगा। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं, तो इसका इस सूत्र लिखा हुआ है जो किताबों में अक्सर दिया होता है, तो हम इस सूत्र से नहीं करेंगे क्वेश्चन को, हमको करना है चुटकियों में। तो हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों मूलधन दिया है हमारा 30,000, ठीक है। दर दिया है 30%। समय कितना है, समय है 2 साल। तो दोस्तों हमें इसका साधारण, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका जो 30% है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 30% नीचे हो जाएगा 100, इसको एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना बचा, 3/10। तो दोस्तों ये जो 3, ये जो 10 है, ये हमारा मूलधन। तो दोस्तों 10 में 3 जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया, ये हो गया 13। तो इधर हम मूलधन लिखेंगे, इधर मिश्रधन लिखेंगे, मिश्रधन। तो दोस्तों हमारा मूलधन कितना है, ये है 10, और इसमें 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 13। कितने साल का, 2 साल का, तो 1 साल का और 1 साल का, तो ये हो गया 2 साल का। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का कितना हो जाएगा 100, और 13 का वर्ग कितना होता है 100, 13 का वर्ग होता है 169, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 169। अब इसका ब्याज निकालने के लिए क्या कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं। तो 169 में से 100 गया तो कितना बचा, 69। तो क्या हो गया, ये हो गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो दोस्तों हमारा मूलधन कितना दिया है, 30,000। इधर मूलधन कितना है, तो यह है 100, तो ये आएगा नीचे, और जिसका निकालना है उसका हो जाएगा इसमें गुणा, यानी कि 69 का होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हो जाएगा 20,700। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20,700 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलधन दिया है, मूलधन, मूलधन दिया है कितना, 3,000 रुपए, ठीक है। और इसकी जो दर है, दर दी है कितनी, 20%। समय दिया है कितना, समय दिया है 2 साल। तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए दर कितनी है, 20%, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, 20/100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, है ना। तो अब इसके बाद क्या है, ये मूलधन है, हमें निकालना क्या है, इसका ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा मूलधन कितना है, मूलधन मिश्रधन, मूलधन कितना है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, कितने साल का है, ये है 2 साल का, यानी इसको 2 बार लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। अब इसका अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये मूलधन, ये मिश्रधन। तो दोस्तों 36 में से 25 गया, कितना बचा, तो ये बचा 11। तो हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है हमारा 3,000, ये मूलधन इधर 25 है, तो ये नीचे आ जाएगा, और हमें निकालना क्या है, 11, है ना। ये हमारा 12 बार में कट जाएगा, तो इधर 1 जीरो आ जाएगा, 11 का 2 बार करेंगे, 11 दूनी 22, 22 का 2, 11 और 2 13, और 1 जीरो इधर आ जाएगा,
यानी कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 13-20। तो दोस्तों आप इसी तरह के क्वेश्चन को ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इधर हम सॉल्व कर लेते हैं दर को, दर 1/5, तो इसका मूलधन 5 है, एक इसमें जोड़ दिया तो निस्तन हो गया, तो 6 हो गया। जितने साल का है उतनी बार हम लिख देंगे, तो 25 हो गया, 36 हो गया। अब ये मूलधन है, मिश्रधन है, ब्याज के लिए हम मिश्रधन से मूलधन को घटा देते हैं, तो ये हमारा ब्याज हो जाता है। और ब्याज को निकालने, इसमें हमारा मूलधन दिया है, मिश्रधन भी दिया हो सकता है, मूलधन भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। यानी कि इधर हमारा मूलधन था, ये मूलधन इसके नीचे आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया। तो आप ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज है 328, दर दिया हमारी 5%, समय दिया है 2 साल, निकालना क्या है, तो इसका मूलधन निकालना है। मूलधन, इसका मूलधन कितना होगा? तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि इसका मूलधन कितना होगा। सबसे पहले दर को निकाल लेना है, दर को निकालने के बाद मूलधन मिश्रधन मिल जाएंगे, उसमें से घटा देना है तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज जितना होगा वो नीचे आ जाएगा, और जिसका निकालना है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको इसके ऑप्शन दे देती हूँ। ए ऑप्शन है 3200, बी ऑप्शन है 3400, सी ऑप्शन है 3500, और डी ऑप्शन है 3300। तो आप इसका आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दर को सॉल्व करना है, दर दी हमारी 5%, बटे में आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, है ना। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज 328 दिया है, तो पहले हम इसको, हमने जो सॉल्व किया है इसको हम लिख लेंगे, ये मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन लिख लेंगे। मूलधन कितना है, तो ये 20 है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। कितने साल का है, तो यह 2 साल का, तो ये 2 बार आ जाएगा। तो 20 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 400। 21 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 441। 441 21 का वर्ग होता है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी कि इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 441 में से 4 हो गया, तो कितना बचा, ये बचा 41। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमारा 328, तो नीचे आ जाएगा 41। निकालना क्या है हमें, निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए मूलधन कौन सा हमारा, ये है 400। इसको हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितने में कट जाएगा, ये कटेगा 8 बार में, 32, 320। तो चक्रवृद्धि मूलधन जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मूलधन हो गया हमारा 320। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। सॉरी दोस्तों, इधर ये 400 लिखा है तो इधर 1 जीरो बढ़ जाएगा, और इसके बाद जो 3200 है इधर भी 1 हो जाएगा, यानी 320 जो लिखा है इधर, इधर 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 3200 हो जाएगा। मैंने इधर 1 जीरो को लिखा नहीं था, तो ये 3200 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।